सर्च स्टार्ट हुई इहदे विच असीं तीन एक्सपैरिमेंट डिस्कस करांगे। सब तो पहला ग्रिफ्थ एक्सपैरिमेंट 1928 दे विच इहने सानूं एक्सपैरिमेंट दित्ता सी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्हें वर्क किया सीगा कि बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड माइस दे ये बैक्टीरिया की कॉज करता है, ये निमोनिया कॉज करता है। मैम इहदे दो स्ट्रेन है, एक आर स्ट्रेन एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन की है रफ स्ट्रेन है, ये ए विरुलेंट होंगे। ए विरुलेंट मतलब ये नॉन इनफेक्शियस है, ये निमोनिया कॉज नहीं करता क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड जो कैप्सूल है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल ये एबसेंट होंगे तो ये रफ कॉलोनीज बनाता ऑन अगर मीडियम। दूसरा स्ट्रेन है एस स्ट्रेन, इन स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं, ये विरुलेंट है। विरुलेंट मतलब ये इनफेक्शियस होंगे, क्यों इनफेक्शियस है क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होंगे तो यह स्मूथ कॉलोनीज बनाता ऑन अगर मीडियम। ठीक है, सो इन्हें की किया नाउ दिस इज एक्सपैरिमेंट ऑफ ग्रिफ्थ। सो ग्रिफ्थ ने की किया एस स्ट्रेन ले लिता, एस स्ट्रेन का इंजैक्शन भर के उन्हें इंजैक्ट किया माइस के विच। उन्हें की देखा कि माइस जो डाइड उसका रीजन देखा कि क्यों डाई होया ड्यू टू एस स्ट्रेन। उन्हें देखा कि एस स्ट्रेन जी वो रिकवर हुई थी माइस के अंदर। सो सैकेंड उन्हें की किया एक और माइस लिता उस आर स्ट्रेन जो इंजैक्ट करता। उन्हें की देखा कि माइस सर्वाइव, माइस को कुछ नहीं होया। ठीक है, उसके कोई बैक्टीरिया जो नो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते। थर्ड उन्हें एक्सपैरिमेंट किया उन्हें गिल्ड गिल्ड एस स्ट्रेन ले लिया, उन्हें इंजैक्ट करता माइस के। उन्हें की देखा कि माइस सर्वाइव नो बैक्टीरिया। हूँ उन्हें सैकेंड से थर्ड यानी कि आर स्ट्रेन एंड गिल्ड गिल्ड एस स्ट्रेन दोनों कट्ठे इंजैक्ट करता माइस के। उन्हें की नोट किया कि माइस जोड़ा है डाइट हो गया तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जोड़े है रिकवर हुए। हुण इह जिहड़े एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर हो सी इत्थों ने कंक्लूड किया कि समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड आर इनटू एस स्ट्रेन। इस समथिंग की है, इस समथिंग उन्हें नहीं पता सी। सो इत्थों साडे कोल कॉन्सेप्ट आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो इत्थों ने एक्सपैरिमेंट छड्डता इहनूं इस ट्रांसफॉर्मेशन या समथिंग नूं किन्ने वेरीफाई किया सीगा। सो दैट वाज नेक्स्ट एक्सपैरिमेंट सी एवरी मैटियोर ते मैकार्टे। सो 1933 दे विच इन्होंने एक्सपैरिमेंट किया। उन्होंने की किया कि जिहड़ा हीट किल्ड एस स्ट्रेन सी उहदे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कर लए। किहड़े किहड़े कॉम्पोनेंट्स? प्रोटीन, आर एन ए ते डी एन ए। हुण तिन्नां नूं उहने आर स्ट्रेन दे विच इंजैक्ट किया। सब तो पहला उन्हें प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन इन्हें इंजैक्ट करता माइस दे विच। उन्होंने की नोट किया कि माइस सर्वाइव, यह मतलब आर प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल नहीं हो सकता। फिर उन्हें की किया आर एन ए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन आर एन ए लैके उन्हें आर स्ट्रेन के नाम कंबाइन करके इकट्ठा इंजैक्ट किया तो उन्हें की किया माइस सर्वाइव। माइस जो है यह मतलब आर एन ए भी जेनेटिक मटीरियल नहीं है। थर्ड एक्सपैरिमेंट उन्हें की किया डी एन ए ऑफ हीट किल्ड से आर स्ट्रेन इकट्ठा जोड़ा है इंजैक्ट करता सीगा तो उन्हें की देखा कि माइस जोड़ा है डाइट हो गया। सो इतों उन्हें जोड़ा है उन्होंने फरदर उन्हें वेरीफाई किया किमें वेरीफाई किया एक फोर्थ एक्सपैरिमेंट किया उन्हें डी एन ए की होंगे वो एंजाइम जो डी एन ए डिसफंक्शन कर देंगे। सो डी एन ए प्लस डी एन ए प्लस आर स्ट्रेन इकट्ठा माइस के इंजैक्ट किया तो माइस जोड़ा है वो सर्वाइव कर गया। क्यों? क्योंकि डी एन ए डी एन ए ने डी एन ए करता से डिसफंक्शन करता से। सो इस करके जो माइस सो इतों प्रूव हो गया कि जोड़ा ये समथिंग है जो ग्रिफ्थ ने कहा सो दैट वॉज डी एन ए। ठीक है, सो दिस इज इट।